हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म के एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम, का लेक्चर नंबर 1। ये हमारा एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसके मैंने एमसीक्यू कराए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, प्रॉपर ऑर्डर में अवेलेबल होगी, वहां पे आप जाके आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड 1 ईयर और लेस आर नोन एज। तो ऐसे एसेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, तो उन एसेट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन गिवन है हमें करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट। तो उन एसेट को हम कहते हैं करंट एसेट। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें, द डेब्ट व्हिच आर टू बी रिपेड विद इन द शॉर्ट पीरियड आर रेफर टू एस। ऑप्शन गिवन है करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, ऑल दी अबव। तो ऐसे कर्ज जो एक साल के अंदर पे कर दिए जाते हैं, ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, कैश गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। जब बिजनेसमैन कैश गुड और एसेट लाता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा था, पर्सन फर्म और इंस्टीट्यूट हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव इज कॉल्ड। ऐसे पर्सन जिन्होंने गुड्स एंड सर्विस तो यूज कर लिया पर अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में? क्रेडिटर कहते हैं, प्रोप्राइटर, डेटर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डेटर, उन्हें हम क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमें कह रहा था, डॉक्यूमेंट सर्टिफाई द परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे सेल्स और परचेज के बारे में लिखा होता है, उन्हें हम कहते हैं वाउचर। वो हमारे कौन होते हैं? वाउचर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द थिंग्स विच इज परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। बिजनेस में कोई चीज परचेज या सेल की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं गुड्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। ऑप्शन में गिवन है येस और नो। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है, ये कैश ट्रांजेक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर है नो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप नो पे टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पर्सन हु ओस मनी टू द फर्म कॉल्ड। ऐसा उस पर्सन को हम क्या कहेंगे जिसने फर्म से मनी उधार पे ले रखी है? तो वो होगा हमारा डेटर। कौन होगा? डेटर होगा। अ पर्सन टू हुम मनी इज ओन बाय द फर्म इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जिसने फर्म को मनी उधार पे दे रखी है, तो उससे हम क्या कहेंगे? वो हमारा होगा क्रेडिटर। तो वो हमारा कौन होगा? क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, द टर्म फिक्स्ड एसेट इंक्लूड। ऑप्शन गिवन हमें क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर और फर्नीचर। तो फिक्स्ड एसेट कौन से एसेट होते हैं? फिक्स्ड एसेट कौन सा है इसमें से? फर्नीचर इसमें से फिक्स्ड एसेट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है, द टर्म करंट एसेट इंक्लूड लायबिलिटी, बिल पेबल, डेटर और फिक्स्ड एसेट। तो करंट एसेट बताना है आपको, इसमें से कौन सा करंट एसेट है? तो डेटर हमारा करंट एसेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेंजिबल एसेट इज, तो बताना है आपको टेंजिबल एसेट कौन सा है? गुडविल, स्टॉक, पेटेंट और नन ऑफ दिस। तो टेंजिबल एसेट है स्टॉक, तो स्टॉक पे आप टिक करके आएंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है 13, इंटेंजिबल एसेट इज, तो इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताना है आपको, क्या कैश इंटेंजिबल एसेट है, स्टॉक, डेटर और गुडविल, इन चारों में से कौन सा इंटेंजिबल एसेट है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फेस्टिंग एसेट इज, तो ऑप्शन गिवन है माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स, ऑल दी अबव। तो इसका आप करके आएंगे ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड लायबिलिटी इंक्लूड्स, तो फिक्स्ड लायबिलिटी क्या मैं आपको ऑप्शन दे रखे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, पेटेंट्स और ऑल दी अबव। तो फिक्स्ड लायबिलिटी जो, फिक्स्ड लायबिलिटी कौन सी होती है इसमें से? लॉन्ग टर्म लोन्स वाली फिक्स्ड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स को फिक्स्ड लायबिलिटी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम और एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।